नमस्कार दोस्तों, ट्रस्टेड वेदर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बताएंगे आपको अगले दो दिनों के दौरान कैसा रहेगा मौसम का हाल। उससे पहले आप अगर हमारे गांव टी इलाकों को ब्लॉग का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर देख लीजिए। उसमें हमारा ही वीडियो है बनाए हैं बहुत दिनों के बाद। सपोर्ट कीजिए, प्यार दिखाइए, जिससे कि आगे भी हम उसमें वीडियो बना सकें। कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो उस तरह का चाहिए या नहीं चाहिए, जिसके हम आगे भी उस तरह का वीडियो बना सकें और आपको दे सकें। चलिए बताते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो अगले 24 घंटों के दौरान गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं, मानसून प्रोग्रेस करने वाला है, क्योंकि कई दिनों से लोग चिल्ला रहे थे 27 आज हो चुका है, कल 28 है। कल गतिविधि बढ़ने वाली है, कई इलाकों में भीषण गतिविधियां देखने को मिलने वाला है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश आ रही है। ख़ासतौर पर जो इलाके सूखे थे, बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके, यहाँ पर तो मौसम का जो रौद्र रूप देखने को मिल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कल नज़र आ रही है। GFS मॉडल का संकेत ऐसा है। हालांकि इन क्षेत्रों में कई इलाकों में भीषण मूसलाधार बारिश होगी, जिससे कि लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं उत्तर भारत से। तो जम्मू से लेकर के काश्मीर, गिलगित से लेकर के बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में गतिविधियां हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की होने वाली हैं। और आप अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे तो आपको देख रहे होंगे आज की गतिविधियां बारिश की हो रही हैं। कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में बादल लगातार छाए हुए हैं। कल से बादलों का प्रभाव और बढ़ेगा और बारिश गतिविधियाँ और बढ़ेंगी। तो काफ़ी खुशी की बात है यहाँ पर किसानों के लिए। काफ़ी लोग परेशान थे, 28, 29, 30 दिन हो गए हैं, बारिश ही नहीं हुई है। और देखते हैं ये सामान्य के करीब बारिश, हमारे गोरखपुर में आप नहीं मानेंगे आप लोग, यहाँ पर 97% की कमी है बारिश में आज तक, यानी पूरे जून के महीने में अगर देखा जाए तो 97% की 2 मिलीमीटर की केवल बारिश हुई है, वो कुछ एक इलाकों में, हमारे इलाके में तो वो भी नहीं हुई है जहाँ पर हम रहते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश संभावित अभी आज के दौरान नहीं रहेगी, कल के बाद से यहाँ गतिविधियाँ बढ़ने लगेंगी और धीरे धीरे कई इलाकों में काफ़ी इंटेंस स्पेयर बारिश का हो जाएगा। इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है कई इलाकों में भारी बौछार संभावित रहेगा। तो आगे आते हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो बाकी पंजाब के क्षेत्र हैं, हरियाणा के क्षेत्र, दिल्ली के क्षेत्र हैं, यहाँ पर गतिविधियाँ जैसा कि हमने पहले बताया आज कम चांस है, कल से गतिविधियाँ बढ़ेंगी, बादलों का प्रभाव बढ़ेगा, जोर बढ़ेगा, आपके इलाकों में बारिश अच्छी देखने को मिलेगी, मानसून भी प्रोग्रेस करने वाला है। तो यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की काफ़ी आवश्यकता है, जिससे किसी प्रकार का नुकसान देखने को बिल्कुल भी ना मिले। बाकी अगर आगे उसके आगे बढ़ जाए तो देख पाएंगे आप लोग बिहार पूर्वी उत्तर क्षेत्र में जो मौसम है वो रौद्र रूप दिखाने वाला है। कई इलाकों में भीषण बारिश देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर लोगों को राहत तो नहीं, लेकिन कई इलाकों में लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती है। यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक, गरज चमक के साथ बौछार, भारी बारिश, तेज़ हवाएँ, हालाँकि आंधी तूफान तो नहीं रहेगा, लेकिन हवाओं के चलते जो भारी बारिश होगी उससे कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी जो असम से लेकर के मेघालय हो, ऊपर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में बारिश गतिविधियाँ अच्छी रह सकती है। कुछ इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाकी मध्य प्रदेश का बात किया जाए, गुजरात सॉरी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात किया जाए, इन सभी क्षेत्रों में भी कल कई इलाकों में मध्यम से मूसलाधार बारिश हो सकती है। कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश खासतौर पर उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हो सकती है। इन क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कल से बिजली गिरने की चमकने की संभावना और गिरने की संभावना भी ज़्यादा रहने वाली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में राजस्थान सटा इलाका जो है, यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बौछार हो सकती है, बहुत भारी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। बाकी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात, सौराष्ट्र के क्षेत्रों में गतिविधियाँ ज़्यादा नहीं होने वाली अभी फिलहाल, और मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना, रायसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में देख पा रहे होंगे गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। तो आशा करते हैं वीडियो में आपको पूरा तरह समझ में आ गया होगा, जो नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपको लगातार जानकारी दे पाएँ और आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।